नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान मनेकांतं साधुमत्तं मंगलं वंदे संदष्टि सिद्ध्यर्थं संदष्टार्थ प्रकाशकं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्योजन धर्मोत्सव सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जतनम जयतुसनम जीझाया जहाने कहे कम कलंक दहे नित्य निरंजन नानमय क्यों परम प्रणवे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। सुख का उपाय रत्नत्रय और अत्र की प्राप्ति आत्मा के आश्रय से। सबको सर्वत्र सदाकार सर्वथा तुम शासन से अमेर जीव शिव गए जाए जये सरी। जितने भी जीव मुक्त हुए हैं सुखी हुए हैं रत्नत्रय के द्वारा। और रत्नत्रय कहाँ मिलेगा? वितरागी देव सास गुरु के चरणों में। वितरागी देव गुरु के चरणों में रत्नत्रय मिलेगा। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि केवल हम उन्हें पूजा भक्ति दान पुण्य करके राजी करके उनसे रत्नत्रय ले आएंगे। किसी अध्यापक के हैं हाथ पांव की सेवा करके उनके घर का काम करके या उनके उनको कुछ अच्छी अच्छी तुम्हारी भाषा में जो उनको रुचिकर है वो दे करके साहब आपके लिए जे ले आए आपके लिए जे आए। ऐसे कोई विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो सकता। हो सकता है? अच्छा अध्यापक है उसके सानिध्य में रह करके अपना अध्ययन करे अपनी योग्यता प्रकट करे यही उपाय है, दूसरा उपाय नहीं। ऐसे हम वितरागी भगवान को छत्र चढ़ा दिया, सिंहासन रख दिए, एक बड़ा मंदिर बना दिया, एक वेदी बना दी, एक ध्वजा बना दी, एक विधान करा है, भक्ति कर ली अपने गा गा करके बढ़िया और राजी करके रत्नत्रय प्राप्त कर ले, ऐसा नहीं। ले भाई ये बहुत अपना अच्छा आदमी, ले भाई ले जा रत्नत्रय दिया, सर्टिफिकेट दे दिया, ये उपाय नहीं। वितरागी देव सास गुरु के चरणों में भी रत्नत्रय की प्राप्ति आत्मा के आश्रय से होती है। अभी हम बैठे पूजा कर रहे थे, विकल्प आया कि देखो वो तो दूसरी चर्चा थी लेकिन हम यहां दूसरी कर रहे हैं। ऐसो पंचणमो यारो सब पाव अपना सरो, उमानायन दूसरी आई थी, मेरे पाप रहेंगे कहते आकर तुमसे पास। तो मैंने पाप कहते ही ऐसा लग जाता है हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, हमारा काम हो जाएगा, हमारी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, हमारी दरिद्रता मिट जाएगी, हमें मान सम्मान मिल जाएगा। जी आ कहां से गया, ये जहर कहां से निकाला? सर्प दूध भी पिए तो जहर उगलता है, सर्प को दूध भी पिला तो भी जहर उगलता है। ऐसे ये तीव्र अज्ञानी अज्ञान की गहलता वाला जीव लिखा कुछ है और उसमें से निकालेगा अपने मन की बात। हे भगवान आपके पास ही रहेगा हमारी बीमारी कैसे रहेगी, तब बीमारी ठीक हो जाएगी, हमारी ये उलझन कैसे सुलझाएगी, भगवान उलझा देंगे। ये कोई तरीके हैं सोचने के? सोचो, तुमने कहा यही तो दिखा सब पाप अपना सो है, तो पाप का मतलब क्या है? हे भगवान आपके समीप आकर के ये मोह कैसे रह जाएगा? मोह राग द्वेष का नाम पाप है?
ये बताओ, हम आपके पास आ गए, अब भी हम शरीर को अपना ही मानते रहेंगे? ये मोह रह कैसे जाएगा? ये हम हमारा परिवार और हमारा भोग, हमारे संयोग, हमारा ये बस यही बनी रहेगी। ये कूप मंडू का ही बने रहेंगे, हंस नहीं बन पाएंगे। भैया मानसरोवर के हंस बनो, परम हंस, हंस ये शब्दों का प्रयोग हुआ है। एक चर्चा याद है, हमने कहा था देखो लक्ष्मी की सवारी उल्लू होती है और सरस्वती की सवारी हंस होती है। वैदिक संस्कृति में ये चर्चा है, सरस्वती की सवारी और लक्ष्मी की सवारी। हमारे प्रोफेसर बताते थे जब हम MM पढ़ते थे, बोले ये सब प्रतीक हैं, मतलब ये लक्ष्मी जिसके ऊपर सवार हो जाए, लक्ष्मी का भूत, पैसा पैसा उल्लू हो जाता, मन रात का दिन दिखाई देगा, दिन का रात दिखाई, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, न्याय न्याय, बक्ष अबक्ष, अपना पराया, हित अहित कुछ नहीं दिखाई देता। पैसा का भूत सवार हो जाए। लौकिक में कहावत तुम पढ़ते सुनते हो गे क्या, बाप बड़ो ना भैया। हम पूछते कैसे हो सकता है, कहते तो हो तुम लेकिन हो कैसे सकता है ये बता। पिता से बड़ा रुपया हो सकता है, भाई से बड़ा रुपया हो सकता है, कैसे हो सकता है? अब साहब कही रहे कौन कहता है ये बता, भगवान ने तो कही नहीं, किसी शास्त्र में तो लिखा नहीं, गुरु ने तो कहा नहीं। ये मोह की महिमा है, कैसे हो सकता है बताओ। हे भगवान, आपके समीप रह करके ये पाप नहीं रह सकते, माने मोह नहीं रह सकता। क्यों? आपकी दशा जो है वह दशा भी देह और आत्मा की भिन्नता को बता रही है, और आपकी वाणी, आपका उपदेश भी देह और आत्मा की भिन्नता को बता रहा है। अब गुरु महाराज हैं, निर्गंत हैं, पंच वैसे देव तो परम निर्गंत ही है, लेकिन गुरु भी निर्गंत है। अब ये बता, वहां परिग्रह की रुचि कैसे जग सकती है? भाई तुम्हें देख करके हम ये विकल्प कर सकते, ऐसा कुर्ता हमें मिल जाए, तुम्हारी दुकान देख करके ये लग सकता है ऐसी दुकान हमारी हो जाए, तुम्हारी गाड़ी देख करके ऐसा लगता है ऐसी गाड़ी हम ले लें। लेकिन ये बता, अब इनको देख के कहा लगे वो, इनके पास ये सब चीजें तो लाभ लश्कर परिग्रह तो है नहीं। यहां तो यही भाव जगेगा, हे भगवान ये सब छोड़ने लायक, ये सब पाने लायक है इसका नाम मोह, ये सब छोड़ने लायक है इसका नाम निर्मोहता, और क्या है व्यवहार न। हे भगवान, आप जैसी वितरागी दशा, स्वरूप लीनता, रतनत्रय हमारे प्रकट हो, यही तो भाव जगेगा, और क्या जगेगा बता। अगर दूसरे भाव जगे, दिन पे कहा है देखो मेले कुचैले रहते, नहा भी नहीं सकते, ढंग से रह भी नहीं सकते, तो ये तो अज्ञान की पराकाष्ठा है, जानते नहीं हो, वो भले करें जो कुछ भी करें तो। लेकिन जो देवसास गुरु का स्वरूप जानते हैं उनके मोह कैसे रहेगा? वो कुंद स्वामी कहते ये नियम है, जो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो अपने आत्मा को जानता है, उसके मोह का भाव मोहो मोहो खल, उसके मोह का भाव होता ही है। तो सब पाप नाशने का मतलब सब मोह का नाश होता है, फिर कैसे लगेगा जी हमारे यहां ये पराए हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, और जी और इच्छा की पूर्ति हो जाए तो सुखी हो जाए, बताओ ये सारी दुर्विकल्प कैसे रह सकते हैं? जैसे ये मोह की तीव्रता में जी मूल धर्म को भूल गया और बाहर में उलझ गया, ऐसे ही यहां हुआ है, हर प्रसंग में हुआ है। जैसे धर्म की जब चर्चा आई तो रतनत्र में और व्यवहार निश्चय में आत्मस्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता, और व्यवहार में
श्रावक के लिए पांच अनुव्रत गुणव्रत शिक्षाव्रत अहिंसा धर्म धर्म धर्म। अब इनको तो भूल गया और लग काय में गौ पूजा पाठ धर्म नानपन धर्म बस यहां लग गया बोला जी। ऐसे ही यहां त्याग धर्म में मोह का त्याग विकथा का त्याग दुश्चिंतन का त्याग ये सारी बातें भूल गए बस अब क्या है रोटी का त्याग बाजार का त्याग घर का त्याग पानी का त्याग कपड़ों का त्याग दिन का त्याग उनका त्याग ये भी सब होता है ये सब नो कर्म है। लेकिन भैया मोह के त्याग के बिना इन सब का त्याग क्या मतलब निकलेगा। मोह छोड़ के तुम चाहे यहां बैठे हो चाहे वहां बैठ जाओ चाहे यहां बैठ जाओ भैया का वो तो नियम है तन में पना। तुम घर रहते थे तो वहां ये लगता था ये हमारा घर है हमारा कमरा है अब यहां रहोगे तो यहां लगने लगा ये हमारा कमरा बताओ। अब तुमने अपना कमरा तो देखा नहीं अपना घर तो देखा नहीं अपना स्वरूप तो देखा नहीं अब बस मोह में यही तो लगेगा ये हमारा कमरा है क्यों तुम हमारे कमरे में क्यों चलेगा तुमने हमारी ये चीज क्यों ले ली यूं तो अब यही करोगे और क्या करोगे। यदि यहां रह करके भी ज्ञानाभ्यास नहीं करोगे भेद ज्ञान का चिंतन नहीं करोगे तो क्या होगा बता। पहले खूब दुकान चलती है हमारी मैं ऐसा करता हूं मैंने ऐसा कर दिया है अब मैं खूब पूजा कर दी बस और ये कुछ नहीं कर रहा ये बेकार सत्य हो मैंने दूसरे की हीनता अपनी उच्चता चाहेगा बता। जब तक ये जीव की शुद्धात्म दृष्टि नहीं हुई अरे शुद्धात्म दृष्टि तो अलौकिक बात है परमेश्वर के प्रति सच्ची भक्ति नहीं जगी कुछ नहीं होता। इसलिए टोटरमल जी लिखा सच्ची भक्ति ज्ञानी के होती है ज्यादा कम की नहीं कही उनने सच्ची भक्ति ज्ञानी को होती है। हम कल कह रहे थे कई बार कहते बोलना नहीं आता एक शब्द कह दिया बस ठाड़े हो गए या मौन होकर ठाड़े हो गए बिना ऐसी कैसे बोला जाता। सच कह रहे हैं एक समाज में कहीं विवाद होगा तो वो कोतवाली पहुंचे और वो जो था थोड़ा भले शेड्यूल कास्ट में था लेकिन थारा विवेकी उसने कहा भाई आप लोग हमारे सामने आए आपकी समाज तो सभ्य समाज है पढ़ी लिखी समाज है धर्म फिर बोला कैसे लोगों को आप चुन देते हो जिनको हमसे बोलना भी नहीं आता कैसे बोला जाता वो साहब वो ऐसा वो वैसा। उसने कहा हमें तो खाली किसी ने बताया था बोले उसने ऐसा कहा जब ये लोग गए थे कैसे लोगों को आप पहुंचा रहे जिनको बोलने तक की तमीज नहीं है कि अधिकारी से बोला कैसे जाता है क्या समाज का नेतृत्व करेंगे क्या देश का कैसे लोगों को कर क्या करते हो आप। मैंने वह शिक्षा दे रहा है आपको कभी पैसा बढ़ाने की कोशिश मत करना संस्कार बढ़ाने की ज्ञान वैराग्य बढ़ाने की कोशिश करना बच्चों के लिए घर के लिए कुछ नहीं होगा सिवाय दुख बढ़ेगा टेंशन बढ़ेगा आपकी समाधि नहीं हो पाए। हमने कितनी बार कहा हम अच्छा पड़ोसी ढूंढते हैं अच्छे पड़ोसी बने अच्छे मित्र ढूंढते हैं अच्छे मित्र बने हम सम्मान चाहते दूसरों से सम्मान से बोलना सीखें बोर्ड पर लिखने नहीं चलेगा यहां आचरण करने से काम चलेगा भैया। संबंधों की मधुरता के लिए संबोधन की मधुरता चाहिए संबंधों की मधुरता के लिए संबोधन की मधुरता चाहिए कैसे बोले वाणी एक शक्ति है ये समझो बहुत दुरुपयोग नहीं बहुत सदुपयोग करना चाहिए बहुत सुख हम ज्यादा बोलते हैं
अरे ज्यादा बोलते हो, ज्यादा सोचते हो इसलिए ज्यादा बोलते हो, ज्यादा सोचो मत, तत्व चिंतन करो, समाय करो, स्वाध्याय करो। क्या करें, दिन नहीं कट, दिन कटता है। अरे कर्म काटो, अज्ञान काटो, पता नहीं पड़ेगा, पता नहीं पड़ेगा। यहां तो घंटे आध घंटे रूढ़ी की क्रिया करके भागे, अब दिन नहीं कट के, क्यों सबेरे से आओ, साफ स्वच्छता देखो, व्यवस्था देखो, पूजा भक्ति करो, स्वाध्याय करो बैठे बैठे। जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है भाई। त्याग नहीं, योग्य वस्तु का त्याग भूल गया और बस बाहर के त्याग मटक गया। हमने जी छोड़ दो, हमने जी छोड़ दो, हमने जी छोड़ दिया। अरे भाई मोह छोड़, क्रोध छोड़। तो हम सोच रहे थे सब पाप प्रणासों, मेरे पाप रहेंगे कैसे आकर तुम चरणों के पास, माने मेरा मोह रहेगा कैसे। अब वो यही लगत रहे जी हमारे पापा हैं, जी हमारी मम्मी हैं, जी हमारे भैया हैं, जी हमारे चाचा हैं, जी हमारे ताऊ हैं, यही लगत रहे। अब ये नहीं लगेगा जी हमारा आत्मा है, परमाणु मात्र मेरा नहीं है, ये हमारा मंदिर है, ये हमारे देव हैं, ये हमारे गुरु हैं, ये हमारा शास्त्र है, ये हमारा हित है, ये हमारा कर्तव्य है। लगेगा ही नहीं, बस वहीं यार है, एक बूंद और, एक बूंद और, एक बूंद और। अरे एक बूंद छोड़ करके निकल सकता है, और नहीं तो ऐसा टप कर रहे हैं और वे काट रही है मधुमक्खी, एक बूंद और। कितनी उलझने हैं हमें, आपको देखो आप लौकिक में, और उनके यज्ञ में जरा सी आया उसमें सुख मान करके मगन है, जी और हो जा, जी और कर ले, जी और हो जा, जी और कर ले। विचार करो ये मोह कब, अकर्ता अकर्ता अकर्ता, ज्ञाता ज्ञाता ज्ञाता, भाई कब पर में सुखी कल्पना को छोड़ोगे। अमृतचंद स्वामी तो कहते हैं तेजतु, आगे क्या शब्द है, इदानी इदानी, अभी जगत माने जगत के जीव, आत्मन भो आत्मन, तो अब तो छोड़ो। कोई दृष्टांत दिया था याद है तुम्हें, जब फसल आ गई तैयार हो गई, अब तो देव हमारे पैसा भैया, अब अबे नहीं तो, अबे नहीं ये भैया सबरी फसल धरी, अबे नहीं तो कब देवगे, मतलब क्या, अबे नहीं तो भैया सब तरह के अवसर आ गए, देव गुरु मिल गए, सब हो गया, अब तो इस मोह को छोड़ो। माने कैसे हम मुमुच्छु हैं जिन्हें देव से गुरु से साथ बोलना नहीं आता, साधन से बोलना नहीं आता, बड़े से छोटे से बोलना भी नहीं आता, अब मुफ्त में अकड़ रहे कि हम कछु हैं, हम का जानते, हम का समझ रहे। रसना इंद्री के दो ही तो दोष बताए, एक तो रसना इंद्री स्वाद, तो स्वाद का लंपटी तो अपना अहित करता है, लेकिन रसना इंद्री का दूसरा काम है बोलना। तो ये बोलने की जो प्रवृत्ति विपरीत जाए हैं, तो वातावरण ही खत्म। तुमको सब मालूम होना चाहिए, मालूम करना चाहिए, बताओ। मैंने देखो तो कैसी दशा है, मैंने इस मोह का त्याग नहीं, मेरा क्रोध रहेगा कैसे आकर तुम चरणों के पास, अनिष्ट की कल्पना। भगवान के पास आए, भगवान ने कहा ये तो नो कर्म है, इनका दोष नहीं है, तुम्हारा कर्म का उदय है, और कर्म का उदय तो महापुरुषों को कैसे हुआ था पता, तुम्हारा वर्तमान का ये अनिष्ट की कल्पना है, अज्ञान है जो तुम्हें दुखी कर रहा है। अब बता जब भगवान के समीप आ गए, और ये हमें कहते भैया, कहते भैया जैसे अंधकार नहीं होता, न स्पर्शती कर्म कलंक दोष है यो ध्वान संग रिवतिक मरस में, निरंजनम नित्य मनेकमेकम तम देव महत्तम शरणम प्रपद। कहीं अंधकार सूर्य को, सूर्य के प्रकाश को छू सकता है, यहां प्रकाश है वह अंधकार रह सकता है, है? प्रथमान युग में पढ़ते थे यहां भगवान का समोषण होता है वहां शोक नहीं होता, क्यों, क्या अपना ही नहीं लगता, इष्ट भी योग अनिष्ट भी योग,
भाई मोह नहीं होता तभी तो सुख नहीं होगा, नहीं तो दुख होगा, जहां मोह होगा वहां दुख होगा। बस लग गए हो रहे उधेर बन में भाई, कोई को तान करके बड़ा नहीं किया जा सकता है। इस लड़के को तान करके तुम बड़ा करो कैसे हो जाओगे, और बड़े बन करके कुछ सीखा नहीं जा सकता, कुछ अच्छा कार्य नहीं किया जा सकता। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, ये तो नीति में लिखा है। जे समय सार तो क्या कहें हम है, विश्व का सर्वोपरि शास्त्र। अभी नीति नहीं आती, लघुता से प्रभुता मिले। अनेकों प्रसंग कसाय के बनते हैं, हम देखते हैं सामने ये नहीं निकलता, ये हमारी गलती है। अब बताओ जब ये नहीं लगता गलती है तो क्षमा और मां कहां से, धर्म आएंगे कहां से, शांति आएगी कहां से, अच्छा व्यवहार आएगा लगता ही नहीं हमारी गलती। और ज्यादातर तो ये ही होता है, हमारी क्या गलती है, तुम्हारी गलती नहीं तो कर्म की गलती हुए, परमेश्वर की गलती हुए, सामने वाली गलती और कहा हमारी क्या गलती। इस बहुत बड़ा अपराध है। सवेरे समय सार जी का स्वाध्याय पूरा कर रहे थे, पूरा ही हो गया आज, उसमें एक दुआ लिखा नाटक समय सार का टीका में, याके मिथ्या मत रहे, आत्मा का परिचय नहीं, मिथ्या मती सो अपराधी, निरपराधी अपराधी लिखा ना। हाँ जिनकी मत मिथ्या मत है, जिनकी मिथ्या मत नहीं, मिथ्या मत ही नहीं है, आत्मा का परिचय है, वे अपराधी नहीं है। अपराधी कौन है, रमता नहीं समता नहीं मगन सजीव, रमता राम न जा नहीं सो अपराधी। विचार करो, एक दृष्टांत आया बहुत सुंदर, एक के शरीर में कैंसर है और जरा सी एक फुंसी हो गई कहीं, अब वो फुंसी का इलाज करे कि कैंसर का करे, बता बता। फुंसी का भी करे जी हम नहीं कह रहे, लेकिन कैंसर की मुक्तता रखे ना, मिथ्यात को दूर करने के लिए सबसे पहले उपाय करो, बाद बाकी तो शिव निकल जाएंगे, शिव निकल जाएंगे। वैसे ही नहीं लिख दिया पार्श्व चरित्र में, इसने तो हमारे, इन्होंने तो हमारी मेरी मोह को ही मार दिया, हम किंग करा, हम किंग करा। पार्श प्रभु से को देख करके रति ने कामदेव से पूछा, क्यों इनको भी जीता है तुमने, इनको नहीं जीत पाए, क्यों वैसे ही डी बखान, तो इन्होंने तो मोह को ही जीत लिया है, किम्बा वयम किंग करा, और मोह नहीं जीता तो वे लौट नेकाद मंद हो जाएंगे, दब जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे, और फिर और फिर ऊपर के आ जाएंगे, फिर देखो करके आ जाएंगे। मेरा क्रोध रहेगा कैसे आकर तुम चरणों के पास, अगर रहता है तो वास्तव में अभी दूर है, शरीर पास आ गया है, अभी तुम्हारी दृष्टि दूर है, भगवंतों को देखा ही नहीं। मेरा मान रहेगा अगर तुम चरणों का, मेरा कपट रहेगा कैसे आकर तुम चरणों के पास, मेरा लोभ रहेगा कैसे आकर तुम चरणों के पास, मेरा काम रहेगा कैसे, मेरी घृणा रहेगी कैसे, मेरा शोक रहेगा कैसे, मेरा भय रहेगा कैसे, माने ये विवाह परिणाम रहेंगे कैसे, रह जाए यहां आकर के भी रह गए, इसका मतलब है आई न, शरीर समीप आ गया है लेकिन दृष्टि अभी तुम्हारी दूर है। सब पाव अपना सो, अब तुम बालबोध में लिखा सो तो रट लेते, मोह राग द्वेष रूपी पापों को नाश करता है, भैया उसको बैठ करके चिंतन तो करो, अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय करो भाई, करो गाओ बजाओ ये तो बाहर की बात है, लेकिन अंतर में चिंतन करो, बौद्धिक स्तर अपना ऊपर उठाओ, अपनी परिणति में कोमलता निर्मलता सरलता है सहजता आए,
तब इस रत्नत्रय की प्राप्ति के पात्र बन पाएंगे। बिना भेद ज्ञान के धर्मात्मा पने का भी अभिमान हो सकता है, धर्मात्मा नहीं हो पाए। तो धर्मात्मा तो भेद ज्ञान पूर्वक होता है, बिना भेद ज्ञान के धर्मात्मा कैसे होगा, विचार तो करो, देखो। वो पाप का अर्थ पाने पाप समझते, पाप का उदय टल जाए, रोग चल जाएगा, बीमारी चल जाएगी, दरिद्रता मिट जाएगी, हमारी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, इच्छा के अनुकूल हो जाएगी। वाह रे वाह, ये तो तुम्हारी कल्पना है। ये बताओ, ये कहां मोक्ष मार्ग का निश्चय भी नहीं है, व्यवहार भी नहीं है। भाई ये बताओ, तीर्थंकर परमेश्वर को भी कर्म के उदय सहन करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़े, आए उदय में नहीं आए। आखिर ऋषभ देव का जीव भी मुसीका लगाना लगवाए ना बैलों के मुसीका, और जरा भूल गए इनको शाम को छोड़ो, तो आखिर 6 महीने का अंतराय हुआ कि नहीं हुआ। तीनों के लिए भी ये है। कल जीवंधर चरित दोपहर में देख रहे थे, उसमें आया पूर्व अब जीवंधर का क्या, वो था ना राज का बच्चा ले आया, बहुत अच्छी तरह पाला पोसा, लेकिन उसका माता पिता से तो वियोग करा ही दिया, तो माता पिता का वियोग हुआ और अच्छी तरह पालन भी हुआ। अगर आकर के मार देता तो मर जाता वो, लेकिन नहीं, इस मशान में जन्म राजपुत्र का, और वहां जन्म लेते ही धाय माता देवी धाय का रूप बना करके आ गई, और उसने कहा चिंता मत करो, विजया रानी की आंखों में आंसू आ गए, बेटा आज राजमहल में तेरा जन्म होता तो उत्सव होता, लेकिन आज ही उत्सव होना है, घबराती क्यों, तू चिंता मत कर रानी, इसका पुण्य उसको ले आएगा, इसको यहीं छोड़, हैं सेठ आया मरा पुत्र लेकर के, उसको भी बताया था निमित्त ज्ञानी ने कि तुम का योग अभी, का योग अभी, तुम जाओगे इस मरे पुत्र को उसी वहीं पुत्र मिलेगा तुम्हें, अब बताओ। और अभी आ गए वहां और बाजी बजन लगे, सबरे नगर में उत्सव होने ना, जहां जाएगा वहां पुण्य पाप संग जाएगा, भैया कैसी बात। लेकिन हम तो ये सोचते हैं कि हंस के बच्चे का वियोग करा, हंस का बच्चा उन माता पिता से रहा तो माता पिता का वियोग तो हो ही गया। बताओ तीर्थंक, आखिर ये कर्म फिलॉसफी तुम्हारे लिए है, हमारे लिए नहीं है, ये बपौती नहीं किसी की। बिना दिए नहीं छूटे ले सकता हम उधार। मुनिराज कैसे, मुनिराज जिनके नाम स्मरण मात्र से पाप गलते हैं, और उनके भी कैसे कैसे उपसर्ग हो गए। मनोवती पटरानी के मध में 22 घड़ी प्रतिमा को अलग किया तो 22 वर्ष भी योग हुआ ही आखिर। तुम ये सोचो हम भगवान की भक्ति करते ऊपर ही ऊपरी कर लेंगे, उससे हमारे ये सब दुख दूर हो जाएंगे, ना भगवंतों की वचनों की श्रद्धा जब तक नहीं होगी और आचरण नहीं होगा, नहीं होगा। उस दिन एक शब्द कहा था ना, सेवन, रत्नत्रय का सेवन करने की बात कही है, जैसे वैद्य औषधि का सेवन करने की बात करते। भगवान का मार्ग बहुत सूक्ष्म है, बहुत सरल है, कठिन लगता है तो हमारा उपयोग स्थूल है, कसायों में उलझा हुआ है। विचारना समझना नमा समय ए देव तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ, इसलिए चिंतामणि प्रभु है सभी वरदान देने के लिए, नाम शोध समाधि मुझे बोधि का संचार हो, राधे स्वामा की कथा शिव शोक की बहुत।